8.4 आयनिक तथा ससंयोजी यौगिक आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमने देखा कि परमाणुओं द्वारा संयोजी कक्षों से इलेक्ट्रॉन के त्यागे जाने अथवा ग्रहण किए जाने से आयनिक बंध तथा इलेक्ट्रॉनों के साझा करने पर ससंयोजी बंध बनते हैं। वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं तथा वे यौगिक जिनमें ससंयोजक बंध पाया जाता है सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आइए अब हम इन यौगिकों के गुणों को देखते हैं। 8.4.1 आयनिक यौगिकों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलने पर अथवा पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अतः ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। 8.4.2 सहसंयोजी यौगिकों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। ससंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयनीकरण नहीं होता। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा यौगिकों में वैद्युत चालन का परीक्षण करें। क्रियाकलाप एक। सर्वप्रथम चार बीकर लीजिए। अब इन्हें क्रमशः क, ख, ग और घ नामांकित कीजिए। प्रत्येक बीकर में 100-100 ml जल लेकर विलयन तैयार कीजिए। बीकर क में 2 चम्मच साधारण नमक, बीकर ख में 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड, बीकर ग में 2 चम्मच शक्कर, बीकर घ में 2 चम्मच ग्लूकोज। अब सबसे पहले बीकर क के विलयन में 2 ग्रेफाइट की छड़ें चित्रानुसार डुबाइए। ग्रेफाइट की छड़ें इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती हैं। इन्हें तार के द्वारा बल्ब एवं 9 वोल्ट बैटरी से जोड़कर चित्रानुसार परिपथ पूरा करें। ध्यान रहे कि दोनों छड़ें आपस में स्पर्श न करें। क्या बल्ब जला? इस प्रयोग को अन्य बीकर ख, ग, घ में रखे विलयनों के साथ दोहराएं एवं अवलोकन को नोट करें। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बीकर क एवं ख में बल्ब क्यों जला? बीकर ग एवं घ में बल्ब क्यों नहीं जला? अब आप समझ गए होंगे कि नमक तथा कैल्शियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजकता बंध के कारण विद्युत चालन होता है तथा शक्कर एवं ग्लूकोज में ससंयोजक बंध के कारण विद्युत चालन नहीं होता।